बिहार के 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के लगभग 205 सहायक प्रोफेसर हड़ताल पर चले गए हैं। MHRD और स्टेट गवर्नमेंट के MOU के मुताबिक तय होना था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में संविदा पर बहाल प्रोफेसर की नियुक्ति को साल दर साल एक्सटेंशन मिलना तय किया गया था, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। आगामी 30 सितंबर को नियुक्त सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति अवधि समाप्त हो रही है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लगभग 35 सहायक प्रोफेसर हैं जो अपनी मांग को लेकर धरना पर हैं। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर गोविंद झा बताते हैं कि सरकार अगर उन लोगों की मांग को नहीं पूरा करते हैं तो लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गोविंद झा, सहायक प्रोफेसर, भागलपुर। ये भारत सरकार के टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत 2017 में हम लोग रिक्रूट हुए थे। यहाँ पे लगभग 37 लोगों की रिक्रूटमेंट हुई थी और पूरे बिहार में 207 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था। जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय प्रोग्राम है, उसके तहत 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेज जो हैं वो सभी जिला में फंक्शनल हो गया है। और जो 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं इनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट जो है TQIP से फंडिंग की गई है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 205 फैकल्टी अभी कार्यरत है 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेज में। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 35 लोग हम लोग कार्यरत हैं। मेन हम लोगों का ये था कि जो MOU हुआ था स्टेट और सेंटर के बीच, उसमें ये चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई थी कि सितंबर 2020 के बाद आगे जो एक्सटेंशन होगा उसमें इन लोगों को रिटेन किया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी प्लान जो है उसके लिए बनेगा। इसके रिगार्डिंग बार बार वहाँ से लेटर भेजा गया, MHRD से स्टेट को लेटर भेजा गया, हम लोग भी स्टेट को जाके रिक्वेस्ट किए कि अब टाइम बहुत कम बचा है, आप लोग इसमें सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाइए रिटेंशन का, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब 1 महीने से भी कम टाइम है और जो मिनट्स है हमारा रिव्यू मिशन का MHRD का, उसमें भी ये चीज़ें मेंशन थी कि ये हम पहले बताएंगे आपको एक्सटेंशन या क्लोज़र के रिगार्डिंग, तो वो भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी नहीं गई है। तो 30 सितंबर के बाद आगे क्या होगा ये हम सब लोग नहीं जान रहे हैं। अभी तक इस डायरेक्शन में कोई भी काम नहीं हुआ है, रिक्वेस्ट लेटर हम लोग जो सेंड किए उसका भी कोई जवाब नहीं आया है, तो इस वजह से हम लोग धरना। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे जी, जब तक कि कोई जवाब नहीं दिया जाता है। मेन हम लोगों का यही है कि पूरे इंडिया में लगभग 1700 TQIP फैकल्टी हैं, 205 जो है वो बिहार के 7 कॉलेजेस में हैं। तो हम लोगों की जॉब 30 सितंबर के बाद ख़त्म हो रही है, तो यही है कि गवर्नमेंट हमें रिटेन करें। गोविंद कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग।